भारी बारिश ने आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों की, जहां बारिश ने जिंदगी पर मानो आफत बरसा रखी हो। पहाड़ों में बारिश मुसीबत का दूसरा नाम। पहाड़ पत्थरबाज हो जाते हैं, रास्ते जानलेवा हो जाते हैं, सफर जिंदगी का इंतहा लेती है। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैसे पलक झपकते ही पहाड़ सड़क पर आ गया। क्या बड़े बड़े पत्थर, क्या पेड़, सब धाराशाही हो गए। रास्ता बंद और जिंदगी की जंग शुरू हो गई। हिमाचल के पहाड़ों का हाल भी देखिए। इंदौरा में चक्की नदी ने उफान भरा तो जमीन खोखली होना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते एक बड़ा हिस्सा नदी में समाहित हो गया। अपने साथ सड़क, दीवार, सब कुछ बहा ले गया। इस सड़क के बहाने से इंदौरा की 3 पंचायतों के करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। नदियों ने हुंकार भरी तो पहाड़ों पर सड़कें नदारद होने लगी, सफर जानलेवा होने लगा। देखिए उत्तराखंड के रामनगर में किस तरह से जान जोखिम में डालकर गाड़ियों से सफर तय किया जा रहा है। कल और इससे पहले भी कई वाहन इस नदी के तेज बहाव में बह गए हैं, लेकिन ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ना इस नदी पर आपको कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई भी जिला प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। और जो सभी यात्री है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। सैकड़ों वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं वो इस बरसाती नाले के तेज बहाव में दोनों ओर फंसे हुए हैं। डूबती बहती लड़खड़ाती गाड़ियों की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी से हर रोज हजारों यात्री मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपनी यात्रा करते हैं। Five hours people are stuck like this with children and like you can see the number of cars that's behind. Actually we came in a car. We have left the car with the driver because the kids are very hungry. We're taking this bus to go to Ramnagar and we will like go again from Ramnagar to Delhi. उत्तरकाशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भू कटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने आसपास रहने वालों की टेंशन बढ़ा रखी है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के शिवनंदी गांव में हैं और हमारे ठीक पीछे अलकनंदा नदी है, जिसमें तेज प्रवाह है इस वक्त। और चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अलकनंदा नदी खतरे के निशान के 2 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन आईएमडी ने रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है चमोली, कुमाऊं के अलग अलग जिलों के लिए। और इसकी वजह से ये संभावना है कि 18 और 19 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है इन इलाकों में, और उसके बाद अलकनंदा नदी जैसे नदियों में पानी का जो लेवल है वो बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ उन तमाम बसावटों में और गांवों में जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, अलकनंदा नदी के किनारे रह रहे हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय और बढ़ता जाएगा। ये तस्वीरें तो ट्रेलर, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। 18 और 19 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
उत्तरकाशी से ओमवार बहुगुणा और रामनगर से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ अमित भारद्वाज, बागेश्वर, आज तक।